गाइस, वेलकम टू माय चैनल मम्मा का ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज क्या हाल है आज का? वेदर आंधी आंधी नहीं, तूफान आ रहा है। तूफान, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। अच्छा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लोर पे रहते हैं ना। भाई साहब, हालत ख़राब हो गई है। ऐसा हो रहा है ना घर में, सारे दरवाजे विंडोज ऐसे हिल रहे हैं ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बट लग रहा है ना कहीं हिल स्टेशन पे रह रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। अब मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आज कहीं ना कहीं होता है ना, पेड़ गिरे पड़े रहते हैं रास्ते में, कुछ ना कुछ होता है। आज पक्का हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये पेड़ वगैरह गिरने वाला सीन हुआ होगा। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। ये देखो मेरी बालकनी का हाल, चेयर्स गिर गई हैं, बीन बैग का हाल देखो, ये हाल हो गया है। मेरी खुद की बालकनी का ये हाल हो गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी, ठंडा ठंडा। वैसे मेरा गला खराब हो गया है, कोल्ड हो गया है। आज बनाऊंगी मैं बैगन का भरता। यहाँ पे मैंने बैगन भून लिया है, यहाँ पे ये अनियन चॉप करके रखा हुआ है, यहाँ पे टमाटो। तो आज बनाऊंगी मैं बैगन का भरता, अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ आज। वैसे मैं देखते हैं, दिखाती हूँ फिर जब बनाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है, आपको देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना याशी बोल रही है, अब मैं बिग हो गई हूँ, अब मैं इसको टच कर पा रही हूँ। हालांकि ये इस पर खड़ी हुई है, बट बोल रही है पहले मैं इस पर खड़े होकर भी टच नहीं कर पाती थी, अब मैं कर पा रही हूँ। होता है ना, हमारे टाइम पे भी हमें लगता था हम बिग हो गए, हम किसी भी चीज़ से अपना मतलब खड़े हो गए, और हाँ ये हम इतने बड़े हो गए, खुश होते थे हम लोग भी। तो वही इसके साथ हो रहा है। अभी ये ठीक है, इसकी तबीयत ठीक है, हल्का सा कफ है, कोई टेंशन नहीं है। अभी कफ की सीरप मैं दे रही हूँ इसको। गुड्डू बस लग जाएगी, मैं इसको ना गुड्डू बोलती हूँ मोस्टली। तो इसका नाम यशिका है, याशी है, मैं इसको मोस्टली गुड्डू बोलती हूँ। आ जाओ बेटा नीचे आओ, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। और यहाँ पे ऐसी ना ये देखती रहती है, बेटा गिर जाओगे, नीचे आ जाओ गुड्डू। ये ऐसे जाती है, डाइनिंग पे चढ़ेगी, यहाँ आएगी। स्पेशली तब करती है जब वो दीदी पोंछा लगा रही होती है ना, तो उसको नीचे से नहीं जाना होता है, तो ये ऐसे करती है फिर जाके। यहाँ पे अभी मम्मा बना रही है लंच। हेलो बोलो। हेलो। अभी मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ याशी के लिए और याशी के पापा के लिए। फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे लंच करने के बाद? चैलेंज। क्या चैलेंज करेंगे? वो अभी सरप्राइज रखना है या अभी बताना है? सरप्राइज। आप बाद में बताओगे? हाँ। हाँ? तो बाद में मिलते हैं आपसे। तो ये है यहाँ पे भरता जो मैंने बनाया है। ये कल की थोड़ी सी दाल बची हुई है, और ये है यहाँ पे पराठा, और ये मैं दूंगी ओरियो को। तो ये ओरियो की रोटी है, तो लेके जाते हैं, देते हैं इनको खाना। ये ओरियो को, ये भी वेट कर रहा है रोटी के लिए, और इसको देंगे रोटी। इसको भी भूख लगी होगी, तो ये भी खाएगा अभी रोटी। ये ना उसको जो तो बाहर निकाल देता है यहाँ से, ये पूरा जाली जाली जैसा है, तो इससे निकल जाती है। बना रही हूँ ये तीन कोने वाले पराठे, कभी राउंड वाले बनाती हूँ, कभी ये बनाती हूँ। वैसे हम दोनों को ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें एक लेयर भी बन जाती है ना, वो तो अच्छे लगते हैं। इनको तो यही वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं वैसे, बट ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने ये पराठे और मेरी बेटी के मैगी जैसे हेयर्स, इसके कर्ली हेयर्स हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बट इसको अच्छे नहीं लगते हैं। कहती है मेरे को स्ट्रेट बाल चाहिए, इसके ना मैगी मैगी गुड करो, दिखाओ मैगी मैगी जैसे हेयर्स हैं इसके, प्यारे लगते हैं, दिखाओ इधर। कह रही है 2 मिनट वाले मैगी जैसे हेयर्स हैं मेरे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में लंच करने के बाद। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है रोटी, क्योंकि मुझे इस भरते के साथ रोटी अच्छी लगती है। इनको पराठा अच्छा लगता है, तो इन लोगों के लिए पराठा बनाया है, तो मैंने अपने लिए बनाई है रोटी। जी thank you.
कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे होंगे। अच्छा, मेरे को ना एक टिप शेयर करनी थी आपसे। जैसे काफ़ी लोगों को पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं उनको मतलब पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो एक्चुअली मैं प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सतर्क रहना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टेक केयर करनी होती है। तो अभी रिसेंटली जैसे मेरे को ना थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा था, फीवर हो रहा था, तो इस बीच में मैंने नोटिस किया कि मेरे को ना जैसे अभी मेरा ऑलमोस्ट 5th month हो जाएंगे कल, तो काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं, बट आई नोटिस कि 3 दिन से मेरे को ना मतलब उतने ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट डे नोटिस किया, तो एक बार मुझे याची के टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि कभी क्या होता है कि बेबी दिन में स्लीप करता है, कभी रात को करता है, तो वो चेंज हो जाता है। तो दिन में हुए थे मुझे सुबह के टाइम, फिर नहीं हुए, तो मैंने सोचा शायद स्लीप पैटर्न चेंज हो गया बेबी का, तो मैंने वेट किया। फिर सेकेंड डे भी मेरे को उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ जैसे नॉर्मल होता था, बहुत माइल्ड सा हुआ फील, तो मैंने वेट किया। फिर जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा टमी पे रब करो तो हो जाता है, तो वो मैंने किया, तो थोड़ा सा हो गया, पर उतना नहीं था जितना मेरे को रेगुलर हो रहे थे। फिर मैंने सोचा आज और वेट करते हैं, तो वेट किया, माइल्ड से हुए, बट मतलब वो फीलिंग मेरे को नहीं आई जैसे डेली वाली होती। फिर मैंने कल भी वेट किया, फिर कल दोपहर तक मेरे को लग रहा था कि नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा एक बार डॉक्टर के ना कंसल्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को शायद कोल्ड कफ है और फीवर भी था, मैंने दवाई ली, शायद उसका कोई इम्पैक्ट हो या कुछ भी हो, जो भी मन की शांति के लिए लगता है ना कि थोड़ा सा एक बार दिखा लेना चाहिए कि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। इवन डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि आपको 10 आवर्स में 10 मूवमेंट्स फील करने हैं, अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि अगर मूवमेंट्स उतने नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत विजिट करना है डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा अब 3 दिन हो गए तो एक बार डॉक्टर से विजिट कर लेते हैं। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मेरे को मतलब चेक किया, हार्ट बीट वगैरह सब ठीक था, एंड बोला था उन्होंने कि 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पे रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आपको अगर लगेगा फील हो रहे हैं देन यू कैन गो। फिर वहाँ पे 2 घंटे मैं रही हॉस्पिटल में, उन्होंने चेक किया तो थोड़ा सा हुआ। फिर मतलब वैसे सारे डॉक्टर सबको बताते हैं, वो बोलते हैं एवरी 2 आवर्स पे आपको कुछ खाना है, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप एवरी 2 आवर्स पे कैसे खा सकते हो, बट स्टिल ट्राई करो, कुछ भी खा लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर चीज़ खानी है, कुछ भी खाते रहो। तो वहाँ पे फिर मेरे को उन्होंने ना जूस पिलाया, थोड़े से कुछ भी पीने के बाद खाने के बाद हो जाते हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहे हैं मूवमेंट्स, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि कुछ खाओ, उसके खाने के बाद हो जाते हैं। वैसे मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मुझे फील होते हैं, पर मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया नहीं हो रहे तो खा लूँ मतलब। तो मतलब मैंने वहाँ पर जूस पिया, उसके थोड़ी देर बाद हुए, उन्होंने बोला कुछ भी खाओ, कोशिश करो कि मीठा खाओ, मीठा खाने से बड़े जल्दी होते हैं। तो ये चीज़ मेरे को कल ही पता चली थी, तो लेट्स सी, होप मतलब आगे सब कुछ नॉर्मल ही रहे। बट अगर आपको फिर भी फील होता है ऐसा, जो जो प्रेग्नेंट हैं उनको ऐसा डाउट है, मैं तो कहूँगी एक बार नोटिस करो अपना क्या कितना हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करो, जैसे वो बोलती वैसे करो, बट खाने वाली चीज़ें खाना तो है ही इस टाइम पे, तो आप खा सकते हो। उन्होंने बोला अगर मीठा खाओगे, अगर डायबिटीज़ वगैरह आपको कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप मीठा खाओ, मीठे खाने से जल्दी हो जाते हैं। तो देखो अभी मेरे को मतलब ठीक है, बाकी मेरे का गला और वो ख़राब हो रहा है, बस अभी कोल्ड कफ है काफ़ी। तो मतलब वही चीज़ था, मैं सोची थी एक बार आपसे ये भी शेयर कर देती हूँ मेरे साथ हुआ, क्योंकि एक दिन नोटिस किया, 2 दिन नोटिस किया, 3rd दिन मैंने सोचा अब रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक बार ना दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, अदरवाइज़ ना मन में ना वो चलती रहती है उधेड़ उनके, क्या हुआ अगर नहीं जाई तो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जाने पर ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है अब मन की शांति तो है, और एक नई चीज़ भी पता चल गई कि आप कुछ खा लो जब भी आपको ऐसा लग रहा है। तो बस यही था आज का टिप्स, तो सभी से यही है कि सब अपना बहुत ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। अभी तो 2 दिन से मौसम अच्छा हो गया है, तो गर्मी उतनी नहीं लग रही है, अदरवाइज़ गर्मी है तो खूब सारा लिक्विड भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है। तो थोड़ा सा मतलब यही था आज के लिए, तो मैंने सोचा ये भी मैंने फील करा है, नोटिस करा है, तो आपको भी शेयर कर दूँ। फिर मिलते हैं आपसे, टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स अभी हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से आ गए हैं, याशी यहाँ पे सो गया, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि 11 बजे हम वहाँ से आए, फिर खाना खाया उसके बाद, तो याशी यहाँ पे सो गई है एंड अभी मैं भी सोऊंगी, थोड़ा तो दवाई वगैरह ले लूँ उसके बाद मैं भी सोऊंगी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को गले में, तो बस सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल, नया वीडियो नया ब्लॉग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, कल मिलते हैं नया ब्लॉग नया वीडियो, गुड नाइट, बाय बाय।